और इसमें आप देख सकते हैं मेरी मेरे मेरे पास कितनी दौलत है, 36 USDTs है। और सबसे पहले आप लोगों ने ये बाय करना है यहाँ से USDT, ठीक है। USDT बाय कर लें, USDT को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोगों को पता है USDT एक स्टेबल कॉइन है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम $100 इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये देखें यहाँ पे £50 एक्सेप्ट कर रहा है, कहते हैं 52। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ जिन लोगों ने पैसा बनाया है बाइनांस के ऊपर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करते हुए, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा कि पैसे को सक्सेसफुली अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें, या वो लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं बाइनांस के ऊपर लेकिन आपके कंट्री में कोई भी ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जिसके जरिए आप कार्ड पेमेंट कर सकें, और बाइनांस के ऊपर अगर आप कार्ड पेमेंट करना कोशिश कर रहे हैं और वो फेल हो रही है तो कैसे उसमें मनी लोड करेंगे या उसमें से विड्रॉ कैसे करेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक ट्यूटोरियल आया हूं P2P पर्सन टू पर्सन जो है ना मार्केट प्लेस समझाऊंगा। इसके ऊपर बहुत ईजी है, आप अपनी मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रबल, और बहुत बहुत ही सिक्योर है। दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ बाइनांस में स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसमें लॉगिन करूँगा अपना बाइनांस का अकाउंट और आपको समझाने वाला हूँ, एक सेकेंड। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लॉगिन कर लिया, ये बाइनांस का अकाउंट है मेरा, और इसमें आप देख सकते हैं मेरी मेरे मेरे पास कितनी दौलत है, 36 USDTs है। प्लीज़ इसको हैक न कीजिएगा और मेरे पैसे चोरी मत कीजिएगा। तो दोस्तों ये एक मेरा डेमो अकाउंट है, मैं आपको डेमो से दिखा रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे आप आ सकते हैं, अभी मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिपॉजिट करने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे जब मैं डिपॉजिट करने वाला होऊंगा यहाँ पे मसला पैदा होगा। देखें मैं यूरो करना है, GBP करना है, मैं पाउंड करना चाहता हूँ। ये देखें ये यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दे रहा डिपॉजिट का। अब मैं यहाँ पे यूरो करता हूँ क्योंकि बाइनांस के काफ़ी इशू चल रहे हैं जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पे देखें अनफॉर्चुनेटली वी आर टेम्पररी अवेलेबल टू ऑफर दिस सर्विस, आवर टीम इज़ वर्किंग टू रिज्यूम दिस सर्विस एज सून एज पॉसिबल। बाइनांस के ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं जिसकी वजह से ना बहुत सारे कंट्रीज जो है ना वो जो है बाइनांस को वो इस डायरेक्टली पेमेंट बैंक से इन एंड आउट करने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी फेस हो सकती है अगर आप स्पेशली पाकिस्तान इंडिया किसी भी कंट्री में हैं जहाँ से आपको जो है ना पेमेंट इन एंड आउट करने का समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग पेमेंट इन आउट कैसे करेंगे। स्पेशली 2024 बहुत क्रेजी साल आ रहा है क्रिप्टो करेंसी में पैसा बनाने के लिए, तो आप लोग उससे फ़ायदा कैसे उठाएंगे, बाइनांस को इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्योंकि दूसरी एक्सचेंजेस जो है वो बहुत ज़्यादा चार्ज करती है, उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा हाई है। तो मैं कहता हूँ बाय क्रिप्टो करेंसी वाया P2P, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए साबित हो सकता है। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आना है और सबसे पहले आप लोगों ने ये बाय करना है यहाँ से USDT, ठीक है। USDT बाय कर लें, USDT को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोगों को पता है USDT एक स्टेबल कॉइन है, स्टेबल कॉइन का मतलब ये है कि एक डिजिटल डॉलर है, इसकी प्राइस ऊपर नीचे नहीं जाती। तो आप ये बाय कर लें, ये किसी भी फ्रेंचाइज के ऊपर किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी बाय करने में ट्रांसफर कर सकते हैं, ये कंप्लीटली ऑन ब्लॉकचेन है। तो दोस्तों USDT आपने बाय करना है, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया बाय। सेल करना है तो सेल भी कर सकते हैं, अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में पैसा बना लिया उसको कन्वर्ट कर दिया USDT में और आप चाहते हो कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं तो सेल भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिस्टिंग भी कर सकते हैं, तो इसी तरह से हम बाइंग को चेक करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए सेल में भी ये आप लोगों को लोग ऑलरेडी बता रहे हैं कि इस तरह से आपको पे करेंगे, ठीक है। तो ये प्राइसेज हम इनको डायरेक्टली सेल कर सकते हैं अगर आपके पास USDT अवेलेबल है, तो ये 100 to 20,000 लेने के लिए तैयार है, ठीक है पाउंड की। पर एनीवे हम बाइंग की तरफ जाते हैं। अब बाइंग किस तरह से होगी, आप लोगों ने यहाँ से सबसे पहले ये सिलेक्ट करना है कौन सा पेमेंट मेथड आप लोग यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ये बैंक ट्रांसफर एक्सेप्ट कर रहा है, ये देख रहे हैं बैंक ट्रांसफर एक्सेप्ट कर रहा है, और ये मिनिमम ऑर्डर कितने का बेचेगा, ये मिनिमम इस ये कह रहा है कि 1,111 pounds आपसे एक ऑर्डर के लिए इस कम से कम इतना बाय कर सकते हैं। हम कहते हैं ये थोड़ा ज़्यादा है, हम नहीं चाहते हैं 400 pounds का ये एक्सेप्ट करने वाला है, ठीक है। हम कहते हैं नहीं, हमें इससे भी कम चाहिए, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम $100 इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये देखें यहाँ पे 50 pounds एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहते हैं 50 to 500 का कोई भी ऑर्डर आप करना चाहते हो कर सकते हैं। देखो ये लिमिटेड हो गया बैरल, आपने इस तरह से फाइंड आउट करना है, होपफुली आप लोगों को समझ मिल जाएगा कम से कम वाला। देखो यहाँ पे फी जीरो है, जीरो फी, मज़ेदार बात है। अच्छा फॉर एग्जांपल मैंने ये देखा 400 वाला, ये भी लिमिटेड हो गया। अच्छा 147 अवेलेबल है, इसके पास 184 USDT है, ये 147 में आपको देने के लिए तैयार है। $147 मैं कहता हूँ बाय, जब आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया बाय के ऊपर तो आपने कमिट कर दिया, ठीक है। मैं करता हूँ बाय नाउ, ये देखें अब यहाँ पे देखो बाय नाउ 15 मिनट्स में आपके पास ये USDT अवेलेबल हो जाएंगे। ये कह रहा है केयरफुली, प्लीज़ रीड एवरीथिंग केयरफुली, इसने स्टारलिंक बैंक ये दे रहा है, स्टारलिंक बैंक से एक्सेप्ट करेगा, अगर आपके पास स्टारलिंक बैंक है उससे पेमेंट कर सकते हैं, प्लीज़ रीड केयरफुली, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपना ऑर्डर पर प्लेस करना 147 बाय USDT। अब ऐसा कैसे होगा कि आपके पास अमाउंट पूरी की पूरी आ जाएगी, नहीं, पूरी की पूरी अमाउंट आपके पास आपने इधर डाल दी और आपके पास अमाउंट आ गई तो आप उसको पैसे दो ना दो तो वो क्या कर लेगा, ऐसा नहीं होने वाला। बाइनांस इसमें मॉनिटर करता है पूरा प्रोसेस, ठीक है।
पूरा प्रोसेस मॉनिटर करता है स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब आपने बाई यूएसडीटी पे जाना है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने डालना है कि 147 आप डाल दोगे, ठीक है। फौरन जैसे आपने बाय का क्लिक किया, आपने ये आपको रिलीज करेगा अपनी इन्फॉर्मेशन, बैंक की इन्फॉर्मेशन, जैसे बाय यूएसडीटी के ऊपर क्लिक किया तो ये आपको इन्फॉर्मेशन अपनी बैंक की रिलीज कर देगा, बैंक की इन्फॉर्मेशन आपके पास विजिबल हो जाएंगी। उसको क्या करना है, उस बैंक के ऊपर आपने मोबाइल से ट्रांसफर करनी है पेमेंट, ठीक है, मोबाइल के से बैंक पेमेंट उसको ट्रांसफर कर देनी है। मैंने कुछ परचेजेस की हुई हैं पास में, हो सकता है कि वो अभी इसमें लॉज्ड होंगी, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर्स में जाते हैं, देखो ये मैंने कुछ परचेजेस की हैं पास में। अब ये देखें, मैंने 1026 जीबीपी के लिए 1233 यूएसडी, तो मैं इसको खोलता हूँ, ये देखें वी ऑर्डर डिटेल, ये आपको दिखाएगा। ये देखें मैंने इसको क्या किया, मैंने उसके बाद फौरन बाद जैसे ही उसके साथ किया, ये कह रहा है पे करो, आई एम ऑनलाइन कन्फर्म पेमेंट एंड रिलीज योर एसेट। तो मैंने क्या किया, ये चैट इस तरह से खुल जाएगी। आपने क्या करना है, पेमेंट ट्रांसफर करने के बाद उसको स्क्रीनशॉट भेजना है इसी चैट में, मोबाइल के ऊपर कर सकते हैं, इशू नहीं है। जैसे आपने उसको मैंने इसको बोला है कि मैंने कहा यस आई मेड द पेमेंट, दे आर रनिंग चेक्स, तो बैंक समटाइम आपके चेक्स करता है कि आप इसको क्यों सेंड कर रहे हैं। वहाँ पे आपने क्रिप्टो मेंशन नहीं करना कि क्रिप्टो, ठीक है, क्योंकि बैंक क्रिप्टो के खिलाफ है। ओके, ये कह रहा है ओके अलाउ प्लीज टू कन्फर्म योर पेमेंट। अब मैं कहता हूँ यस कॉलिंग बैंक नाउ, मैंने बैंक को कॉल की, बैंक को बताया कि हाँ ये पेमेंट मैंने की है, ठीक है। जब मैंने उसको पेमेंट बैंक को कर दी, उसके बाद जो है ना बैंक ने वेरीफाई कर दिया, बैंक ने इसको पेमेंट रिलीज कर दिया, तो इसने मुझे क्या कहा, यूर पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड एसेट यू हैव बीन सेंड टू योर अकाउंट। तो फौरन मेरे अकाउंट में पैसे जो एसेट है, ये देखें रिसीव क्वांटिटी 1233 आ गए। तो कितना तरीकाकार था, आपने वहाँ से सेलेक्ट करना है अपना पी टू पी, जो भी आपको पेयर अच्छा लगे, जो भी आपको अमाउंट जितनी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कितनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसके जैसे चैट खुल जाएगी, ये क्या होगा, जो बाइनांस है वो कैसे आपको सॉलिसिट कर रहा है। बाइनांस क्या करता है, जो आपने बाय कर लिया, बाय के ऊपर बटन प्रेस कर दिया तो वो लॉक हो जाती है क्वांटिटी, वो आपके लिए होल्ड कर लेता है बाइनांस, बाइनांस एस्क्रू में डाल देता है जब तक पेमेंट आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, कन्फर्म हो जाती है, फिर वो बाइनांस आपकी जो एसेट है वो रिलीज़ कर देता है, जो आप कॉइन ले रहे होते हैं बाइनांस रिलीज़ कर देता है। अगर आप पेमेंट नहीं करते, पेमेंट कन्फर्म नहीं करते, तो बाइनांस वापस दे देता है और आपके प्रोफाइल के ऊपर एक वो जो हो जाता है अलर्ट पैदा हो जाती है कि आप बाइंग के लिए एग्री तो करते हो लेकिन पेमेंट नहीं करते। और अगर आपने पेमेंट कर दी है और उसका प्रूफ आपने इधर चैट में सेंड कर दिया है, तो वो जो सेलर है वो कुछ नहीं कर सकता, पेमेंट बाइनांस आपके अकाउंट में रिलीज कर देगा। तो 100% ईजी है, आप इधर से 100% सिक्योर है, आप इधर से आराम से बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। और मज़ीद आप मेरे ऑर्डर देखते हैं तो मैं कुछ और ऑर्डर्स आपको दिखा देता हूँ कि कैसे होते हैं। ये देखिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइम टू टाइम जब मुझे चाहिए होती है और कहीं से अवेलेबल नहीं होते तो मैं यहाँ से वो जो है ना यूएसडीटी बाय कर लेता हूँ कम ज़्यादा अमाउंट। देखिए यहाँ पे 100 की ट्रांजेक्शन हुई है। देखिए यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको वो पेमेंट सेंड की है टू रेफरेंस, मैंने सिर्फ अपना नाम बताया है, मैंने इधर क्रिप्टो करेंसी कुछ नहीं लिखा, मैंने बारकले से सेंड कर दी है। ये देखें ये चैट में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इसने मुझे बैंक डिटेल दी है, मैंने बैंक डिटेल के ऊपर पेमेंट सेंड किया। पेमेंट सेंड करने के बाद ये देखें क्या हुआ, ये चेक कर रहा है पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड यूर यूएसडीटी हैज़ बीन सेंड टू योर अकाउंट, तो यहाँ पे अमाउंट सेंड हो गई है। तो दोस्तों ये था तरीका बाइनांस में पैसे डालने का और बाइनांस से पैसे निकालने का। इसी तरह जैसे आपने बाय किया उसी तरह से सेल कर सकते हैं, सेल करते हुए आपने अपना बैंक अकाउंट देना है और डिटेल बतानी है, अपनी टर्म एंड कंडीशन बतानी है कि कम अज़ कम इतना मैं सेल करूंगा सिंगल ऑर्डर में और ज़्यादा से ज़्यादा इतना सेल करूंगा। तो फिर बायर आपसे बाय करेंगे तो आपने क्या करना, जैसे पेमेंट रिलीज हुई आपके पास रिसीव हुई है, ठीक है, उसकी कन्फर्मेशन आई है, तो आपने ओके करना और आपकी यूएसडीटी चली जाएगी उसके पास, आपके बायर के पास। दोस्तों ये तो तरीका था इजीली पैसे इन एंड आउट करने का। लोकल पेमेंट क्या होगी, पेमेंट लोकल आपका जो बायर है पाकिस्तान में है या इंडिया में है, तो वो पाकिस्तान से पाकिस्तान में पेमेंट सेंड कर रहा है, उसको किसी भी एक्सचेंज को पेमेंट सेंड नहीं करनी और आप सिर्फ एक्सचेंज से ही ट्रांजेक्शन कर रहे हो। दोस्तों जिस भी कंट्री में हैं आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, बगैर किसी वरी के आप इधर पेमेंट डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आपके कंट्री में जो है ना बाइनांस वो जो है ना फिएट गेटवे प्रोवाइड नहीं कर रहा, फिएट करेंसी आप उसमें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बैंक ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों ये आपके पास बहुत ही ज़्यादा आसान हल है। आई होप कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ होगा, अगर हुआ है तो अपने फ्रेंड्स को बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि वो किस तरह से पेमेंट बाइनांस में डालें और निकालें। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप वीडियो सेंड कर सकते हैं उनको। आई होप कि वो आप लोगों के सजेशन से फ़ायदा उठा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच अगेन गाइज, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।